दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अजीबोगरीब कारनामे और रहन सहन के लिए जानी जाती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा जगह भी है जिसके बारे में जानकर शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर लोग बिना कपड़ा पहने घर में भी नहीं रहते हैं, बाहर निकलने की बात तो दूर की है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां लोग आज भी बिना कपड़ा पहने ही रहते हैं। आप ये सुनकर भले ही विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। आपको बता दें कि इस गांव के लोग पिछले 90 साल से बिना कपड़ा पहने ही रहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये अनोखा और अजूबा गांव है कहाँ? आखिर क्यों इस गांव के लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं? तो चलिए आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई लोग तो कपड़े खरीदने के इतने शौकीन होते हैं कि रखने के लिए अलमारी भी कम पड़ जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आज भी लोग बिना कपड़े के रहते हैं। दरअसल दुनिया का ये अनोखा गांव ब्रिटेन में स्थित है। आपको बता दे कि यहां पर पिछले 90 सालों से लोग बिना कपड़ों के ही रह रहे हैं। आपको सुनकर भले ही यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ के लोग गरीबी के कारण कपड़े नहीं पहनते हैं, तो ये आपकी भूल है। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गांव के पास 2 बेडरूम वाले बंगले भी है जिसकी कीमत 85,000 पाउंड यानी कि भारतीय मुद्रा में बोले तो 79,56,467 है। इस गांव में पब, स्विमिंग पूल से लेकर क्लब की भी व्यवस्था है। अगर साफ शब्दों में बोले तो गांव के लोगों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन परंपरा और मान्यताओं को मानने के लिए इस गांव के लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं। यहां सिर्फ बड़े बूढ़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं। दरअसल इस गांव का नाम स्पिलप्लॉट्स है। जर्मनी में स्पिलप्लॉट्स का अर्थ होता है खेल का मैदान। हर्टफोर्डशायर में स्थित ये अनोखा गांव ब्रिटेन की सबसे पुरानी कॉलोनियों में शामिल है। इस गांव में खूबसूरत मकान, स्विमिंग पूल और लोगों को पीने के लिए बियर भी मिलता है। बताया जाता है कि 90 साल से ज्यादा समय से लोग इस अनोखे गांव में इसी तरह से रह रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग इस गांव को देखने आते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको भी इस गांव को घूमने का मन होगा या जाने का शौक होगा या कभी किसी कारणवश अगर आप भी इस गांव में जाते हैं तो आपके भी यहां के परंपरा को पालन करना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस परंपरा की शुरुआत 1929 में ही की गई थी। दरअसल स्पिलप्लॉट्स गांव में रहने वाले 82 वर्षीय इसेल्ट रिचर्डसन के पिता ने साल 1929 में इस समुदाय की स्थापना की थी। उनका मानना था कि प्राकृतिक वादियों और सड़क पर रहने वाले लोगों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि आज भी यहां के लोग इस परंपरा को बखूबी से निभाते हैं और आज भी बिना कपड़ों के ही इस गाँव में लोग रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।